मोकामा में टाल क्षेत्र में मुआवजे की मांग बढ़ गई है। मुआवजे को लेकर जोर पकड़ने लगा है ये मांग। मोकामा टाल क्षेत्र में प्रस्तावित तटबंध को लेकर मुआवजे मांगे जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की निर्माण कंपनी हॉली हॉक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय पर बड़ी संख्या में किसानों ने भूमि मुआवजा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि नदी किनारे की सभी भूमि का मुआवजा नहीं मिला तो उग्र आंदोलन करेंगे। प्रदर्शनकारी किसानों ने मोकामा और मोहनपुर के किसानों ने भाग लिया है। इस प्रदर्शन में किसान अब आगे की रणनीति बना रहे हैं। तटबंध के निर्माण हेतु बिहार सरकार द्वारा जो योजना बनाई गई उसमें सबसे पहले किसानों से संपर्क किया जाता, उनके साथ एक बैठक आयोजित किया जाता, उसके बाद निश्चित रूप से बताया जाता किस ढंग के अलाइनमेंट हो रहा है, लेकिन बिना किसी सूचना के पूरा बिल्डिंग का कार्य कर दिया गया। और इसका नतीजा है कि तटबंध से लेकर नदी के बीच का जो जमीन है वह किसी काम का नहीं रहेगा, न वह बिक्री होने के लायक रहेगा, न खेती होने के लायक रहेगा। और जितना दूरी है 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर होगा, इस दूरी में हजारों किसानों का भयंकर हित नष्ट हो रहा है। और बहुत सारा गांव भी ऐसा है क्योंकि तटबंध से नदी की ओर शामिल होगा, उसका जल जमाव सालों भर उसमें रहेगा, उसका निकास का रास्ता या उसका क्या योजना है इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। सारे चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए हम लोग का मांग है कि सभी किसानों के साथ बैठक बुलाकर सभी विषयों पर सम्मति बनाकर एक निश्चित किसानों का हित को देखते हुए एक सही निर्णय लिया जाए जिससे कि किसानों का हित प्रभावित नहीं हो। अगर ये नहीं होगा तो किसान लोग जबरदस्त रूप से आंदोलित होंगे और अपने मांगों के लिए।